बताओ भाई, सब लोग पूछ रहे हैं हमारा लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज। क्यों मेरी शादी में कोई भी यूट्यूबर नहीं आए? गाइस फाइनली 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 अमित भाई की शादी के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, अमित भाई ने लव मैरिज करी थी या अरेंज मैरिज? चलो इसका जवाब भी अमित भाई के मुँह से ही सुन लेते हैं। बताओ भाई, सब लोग पूछ रहे हैं हमारा लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज। मैरिज यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो रह गया, अमित भाई ने अपनी शादी में अज्जू भाई तक को क्यों नहीं बुलाया? चलो इसका जवाब भी अमित भाई देंगे। जैसे कि गाइस, मैंने अपनी शादी का अनाउंसमेंट किया था इंस्टाग्राम पोस्ट में, जहां पर बहुत सारे फोटो अपलोड किया था मैंने, और वहां पर मैंने एक रील अपलोड किया था जहां पर आप लोगों ने देखा होगा एक मंदिर था। इवन मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड किया था। तो हमारी शादी एक मंदिर में हुई थी, फॉर सम रीजन गाइस हम लोगों को मंदिर में शादी करना पड़ा, एंड हमारी शादी में कोई भी यूट्यूबर नहीं आया था, और भाई प्राइवेट इवेंट था तो मैंने बुलाया भी नहीं था। अच्छा गाइस, हम लोगों ने ना एक रील्स या फिर शॉर्ट्स देखा था जहाँ पर लोग हम लोगों के लिए बायोग्राफी बना के अपलोड कर चुके लोग, ठीक है, एंड कोई बोल रहा था कि सी इज फ्रॉम आसाम, कोई बोल रहा था सी इज फ्रॉम नेपाल, कोई बोल रहा था सी इज फ्रॉम पता नहीं कोलकाता बोल रहा था। भाई हम लोग कहाँ से है? मैं तो वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से हूँ। तुम और यार एक नॉर्मल क्वेश्चन तो रह गया कि अमित भाई की शादी हुई कब थी, चलो वो भी अमित भाई के मुंह से सुन लो। मुझे लगा कि तुम लोग कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछोगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछोगे। भाई ये सब क्या है बे, शादी कब किया, कैसे किया, कितने तारीख को किया, ये सब क्या पूछ रहे हो बे? मतलब तुम लोग सब्सक्राइबर हो कि CID हो? बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। तो यार फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन आता है कि अमित भाई की शादी से पहले किस किस यूट्यूबर्स को अमित भाई की शादी के बारे में पता था? तो चलो इसका भी जवाब अमित भाई के मुंह से सुन लो। शादी से पहले गाइस अज्जू भाई को पता था कि मेरी शादी होने वाली है आज के दिन में बोलकर, रोमियो को पता था, गेमिंग फ्रीक को पता था, और कौन था, स्मार्टी को पता था। रोमियो, स्मार्टी, गेमिंग फ्रीक और अज्जू भाई, इन चार लोगों को पता था, बाकी किसी को पता नहीं था कि लाइक मेरी शादी होने वाली। तो यार पांचवे नंबर पर क्वेश्चन आता है कि क्या अमित भाई पहले जैसे अभी कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करेंगे शादी के बाद भी? तो चलो इसका जवाब भी अमित भाई देंगे। भाई इसको लगता है कि मेरी शादी हो गई तो मैं यूट्यूब ही क्विट ना कर दूं, यार इसको टेंशन है बे, मैं कहीं नहीं जाने वाला, YouTube मेरा घर है, रोजी रोटी देने का जगह है यार। हाँ थोड़ा सा लाइक अभी थोड़ा बिजी रहा था बीच में, लाइक 15-20 दिन, बट आई एम बैक, वीडियो आते रहेंगे, स्ट्रीम होता रहेगा, सब कुछ पहले ऐसा ही होगा, शायद से पहले से बेटर भी होगा, ठीक है कि नहीं? कुछ बोल भी दो यार, आप बोलने का मौका कहाँ दे रहे हो। अच्छा अच्छा, तो गाइस लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि अमित भाई ने किसी भी यूट्यूबर को अभी अपनी शादी में बुलाया क्यों नहीं? तो यार इसका जवाब भी अमित भाई के मुंह से सुन लो। भाई तुम लोगों ने यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन सेंड किया है, बट सबका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम क्वेश्चन सब लोगों ने पूछा है, और उनमें से सबसे मेजर क्वेश्चन एक था सबका, लाइक ऑलमोस्ट 50-60 लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये था कि क्यों मेरी शादी में कोई भी यूट्यूबर नहीं आए। सो गाइस बात ये है कि हम लोगों की शादी मंदिर में प्राइवेटली हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद ही रिसेप्शन था, और रिसेप्शन हमारे घर में ही होने का बात हुआ था, और आप लोगों को पता होगा मैंने आज तक कभी भी इंटरनेट पे ना मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाया है, ना अपने घर दिखाया है, ना मैंने अपना सराउंडिंग एरिया दिखाया है, तो मैं थोड़ा प्राइवेट टाइप का पर्सन हूँ, तो मैंने सोचा कि ये एक प्राइवेट इवेंट है, क्यों ना हम लोग इसको प्राइवेट तरीके से करें। भाई बात ये नहीं है कि मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता था, मैं बुलाना सबको चाहता था, और बात सिर्फ अज्जू भाई की नहीं है यार, मैं सबको बुलाता अगर बुलाता तो, क्योंकि यार किसी मेरे दुश्मन थोड़ी ना है, मैं जिसको भी जानता हूँ सबको बुलाता, बट यार मेरे घर में शादी हो रही थी, प्राइवेटली शादी हो रही थी, तो मैंने इसको प्राइवेट रखा। बट हाँ अगर मेरी शादी किसी भवन में होती, लाइक किसी अलग होटल में होती, तो मैं डेफिनेटली बात है मैं सबको बुलाता, और लाइक घर में शादी हो रही थी, ओपन स्टेज था, ओपन लाइक पंडाल था, ऐसे भी लोग बहुत सारे लोग आए हैं, मैं बता नहीं सकता, कभी मैंने 1000 लोगों के साथ फोटो क्लिक किया होगा उस दिन, और उस टाइम में बाकी यूट्यूबर भी आ जाते तो उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर लाइक होता ना क्या बोलूँ मैं उसको, लाइक वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि सीधी सी बात है मान लो मेरी शादी में लाइक 5-10 यूट्यूबर आ गए तो उनको मिलने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, जो कि ये ओपन जगह था तो वो एक सिक्योरिटी का भी रीजन था, या फिर आप कुछ भी बोलो यार, मैंने इस चीज़ को प्राइवेटली रखा, यार किसी एक को बुलाऊं तो किसी और को बुरा लगेगा यार, इससे ऐसा मैं किसी को भी ना बुलाऊं बोलकर मैंने घर वाले से बातचीत किया, तो हम लोगों ने किसी को भी नहीं बुलाया। और गाइस ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो अज्जू भाई की शादी के ऊपर आने वाला है।